हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम करने वाले कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फोटो को लेकर जाएंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में। लाइटरूम एप्लीकेशन में जाने के बाद हम जाएंगे फोटो पर। फोटो पर जाने के बाद हमको ऑटो पर कर लेना है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस ऑटो पर करने के बाद हमको यहाँ पर चले जाना है, यहाँ पर कलर वाले पैनल पर। यहाँ पर जाने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मिक्स वाला टूल, इस पर जाने के बाद हमको येलो वाले ऑप्शन पे चले जाना है। इसकी सैचुरेशन ह्यू को माइनस, ग्रीन वाले के भी सैचुरेशन ह्यू माइनस, की सबकी सैचुरेशन माइनस कर दी है। इसके बाद हम आ जाएंगे ऑरेंज वाले कलर पर। ये हमारे स्क्रीन का कलर है, इसकी सैचुरेशन माइनस करके ल्यूमिनेंस बढ़ा देंगे और व्यू को भी माइनस कर देंगे, इसके सैचुरेशन माइनस कर देंगे, ल्यूमिनेंस बढ़ा देंगे और टेम्परेचर कर लेंगे हम माइनस 10 पे। इसकी भी टेंट को माइनस कर देंगे, अब आइट में इग्निट को 40 पर कर देंगे। थोड़ा सा माइनस पिक्चर बढ़ा लेंगे, शार्पनेस बढ़ा लेंगे हम थोड़ा, यहाँ से ये दो ऑप्शन ऑन कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ आ जाना है प्रोफाइल पर और यहाँ पर आर्टिक पर क्लिक करना है, ये वाला ऑप्शन। इस पर क्लिक करने के बाद हमको 4 नंबर वाला लेना है आर्टिक 4 पर, और इसको 92 कर लेंगे, यहाँ से डन कर देंगे हम। डन करने के बाद हमको वापस से कलर वाले पैनल पर आ जाने में टूल में जाने और इस सैचुरेशन माइनस कर लेंगे और थोड़ा और मीन्स बढ़ा लेंगे। के बाद हम फोटो को कर लेंगे गैलरी में। उसके बाद आ जाएंगे हम एडोब फोटोशॉप पिक्स में, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, ये वाला। यहाँ पर मोबाइल वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आप पर क्लिक करना है और हमारे मॉडल का फोटो ले लेना है जो लाइटरूम में हमने। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला ऑप्शन, स्मूथ पर क्लिक करेंगे और साइज थोड़ा छोटी कर देंगे और हमारे प्रेस पर चला लेंगे आहिस्ता। हाथ पर भी चला लेंगे हम दोनों हाथों पर चला लेंगे। डन कर देंगे हम और यहाँ पर दिख रहा होगा शेयर वाला ऑप्शन, क्लिक करेंगे और गैलरी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच।